पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज पाकिस्तान पाकिस्तान आवाज नहीं आ रही है पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज सुन्नी राबता काउंसिल की शानदार जो रैली निकाली गई है इस रैली में तमाम जो शुरुआत है उन्हें प्रेस क्लब डिग्री की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। अब हम गुजारिश करेंगे सुन्नी राबता काउंसिल तालका डिग्री के रहनुमा साईं फैज मोहम्मद नुआनी साहब से कि वो आए और अपने मोहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के साथ साथ अपने ख्याल का इजहार करें। सुन्नी राबता काउंसिल तालका डिग्री के रहनुमा साईं फैज मोहम्मद नुआनी एहतराम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों और इस मुल्क से मोहब वतन मेरे हम सफर साथियों आज ये जश्न आज़ादी का मार्च सुन्नी राबता काउंसिल डिग्री की तरफ से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब वतन हैं इस मुल्क के वफादार हैं जिस तरह हम इस्लाम की सरहदों के मुहाफिज हैं वल्लाह इसी तरह इस मुल्क की सरहदों के भी मुहाफिज हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों ये मुल्क ये वतन अजीज एक कलमे की बुनियाद पर लिया गया वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर ये वतन अजीज हासिल किया गया। मेरे मोहतरम दोस्तों हम मोहब वतन हैं हम इस वतन के वफादार हैं लेकिन इस मुल्क के गद्दार वो हैं जो कलमे का इनकार करते हैं। इस मुल्क के गद्दार वो हैं जो असल इस कलमे के गद्दार हैं। हम मोहब वतन हैं जिस कलमे की बुनियाद पर ये वतन अजीज हासिल किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम वही कलमा पढ़ते हैं उसी का ही इजहार करते हैं। मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत मेरे नबी ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उसको जन्नत में जरूर दाखिल होगा। हम मोहब वतन हैं इसलिए इस कलमे का इजहार कर रहे हैं। जिसने कलमा बदला वो इस वतन का भी गद्दार है इस मुल्क का भी गद्दार है। वो कलमा बदल कर इस वतन अजीज के इस वतन अजीज की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कलमा बदल कर इस वतन अजीज को खोखला करना चाहता है लेकिन ये नहीं होगा नहीं होगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला जनरल कमर लतीफ बाजवा साहेब ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इंशाल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की हिफाजत के लिए आपका शाना बशाना होकर जान का नजराना पेश करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे शहीद कायद अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह सब कहिए रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला 1,00,000 नौजवान देने के लिए तैयार हूँ इस वतन की हिफाजत के लिए। हम इंशाअल्लाह उसके ऐलान के मुताबिक इस उसके ऐलान के मुताबिक उनके हुक्म पर अपने कारवां हैं। हम पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना चलते रहेंगे। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम दीन की सरहदों के मुहाफिज हैं इसी तरह इंशाल्लाह वतन की सरहदों के मुहाफिज हैं। आखिरी बात साफी हजरात मौजूद हैं आखिरी बात मुहर्रमुल हराम आ रहा है। मैं अपने साफी दोस्तों को भी अर्ज करूंगा
कि आपका किरदार पहले भी है अब भी होना चाहिए। और इस वतन अजीज की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए खुसूसन मुहर्रम में बदअमनी फैलाई जाती है। पूरे मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्ला में जाले का गुस्सा की जाती है और नबी के सहाबा पे की गुस्सा की जाती है। इंतजामिया को भी यह गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, मजिस्ट्रेट साहब सबको और इदारों को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुहर्रम आला है, इस वतन अजीज की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन हम तावन करेंगे, पहले भी तावन किया है। और आखिरी बात, इंतजामिया को, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब को एक आखिरी अर्जा है कि एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई जाए, साफी हजरात भी हो, शहर के मौजूद हजरात भी हो, मुहर्रम से पहले, और एक जाब्ते अखलाक बनाया जाए और सबको पाबंद किया जाए इस मुल्क की सालमियत के लिए। मैं सही कह रहा हूँ, साफी हजरात भी अपना किरदार अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ हम इंशाल्लाह साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।